हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आप जैसे कि 12th चैप्टर की 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं, जिसमें कि हमने यूनिटरी मेथड यूज़ किया। लास्ट जो हमारी 12.3 थी एक्सरसाइज, इसमें हमने यूनिटरी मेथड यूज़ किया और रेशोज़ यूज़ की। तो देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको सारे मिक्स जो हैं सम्स आएंगे, रेशोज़ और जो भी होंगे हमारे, तो यूनिटरी मेथड और ये रेशो सभी मिक्स सम है इसमें। तो देखिए, आपने ये सारे अपने आप अच्छे से फिल करने हैं। तो देखिए, जैसे कि इन सम्स में दे रखा है रेशो इज ग्रेटर, कौन सी मतलब लार्जर है, सॉरी। तो देखिए, इक्वल भी फाइंड करनी है हमें या लार्जर फाइंड करनी है। तो देखिए, इक्वल में हम क्या करते हैं, रेशोज को सोल्व करते हैं और देखते हैं रख के कि वो इक्वल हैं या नहीं। तो देखिए, पहली जो है उसको सोल्व नहीं कर सकते, सेकंड को हम सोल्व करेंगे तो सेकंड देखेंगे फर्स्ट के इक्वल है या नहीं। तो ये इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल, अगर हमारी इक्वल आती है तो इक्वल। तो देखिए, लार्जर हमें जब देखना होता है तो हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। जैसे 10:21 है तो 10/21 ये कट नहीं होता तो 10/21 रहेगा। 21/93 है तो इसमें से देखिए, हमने इसके फैक्टर्स करके कट करते हैं हम, 7 × 3 = 21, 31 × 3 = 93। तो 3 से 3 कट हो गया तो हमारा हो गया 7:31। तो देखिए, यहाँ से हमारी रेशो आई। अब हमें देखना है कि लार्जर है या नहीं है, कौन सा लार्जर है। तो देखिए, जब भी हमें लार्जर देखना होता है तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम होना चाहिए। अब देखिए, इसका डिनोमिनेटर 31 है, इसका 21 है। अगर हमें सेम करना है तो हमें एक दूसरे से इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। मीन्स 31 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को 31 से। अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, इस ये वाली जो रेशो है इसको हम 31 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, और इसमें हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। फिर हम जो ऊपर वाली टर्म है उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन बिग है और कौन स्मॉल है। तो देखिए, जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करके दिखाई गई है तो 310 और यहाँ पर आ रहा है 147। तो जैसे कि आप देख रहे हैं तो हमारी रेशो कौन सी बड़ी आई, यहाँ से 10:21। तो 10:21 लार्जर होगी 21:93 से। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इस अकॉर्डिंग आपने फाइंड करनी है। अब देखिए, हमें रेशो देके हमें पार्ट्स निकालने होते हैं। अब देखिए, जैसे ये दे रखा है, केशव प्रिपेयर्ड 18 kg ऑफ बर्फी बाय मिक्सिंग खोया विद शुगर इन द रेशो ऑफ 7:2। तो देखिए, बर्फी बनाई है केशव ने खोए की, खोया और शुगर मिलाकर। खोया हमारा है 7 और विद शुगर हमारी है 2। तो इनका जो रेशो है, खोया और शुगर का रेशो है वो 7:2 है। तो टोटल जो रेशो है हमें, जब अब इसमें फाइंड क्या करना है हमें, हाउ मच खोया डिड ही यूज। तो इसमें उसने खोया कितना यूज किया है हम वो देखेंगे। तो देखिए, जब भी हमें पार्ट्स निकालने होते हैं रेशो दे रखे और हमें उसको डिवाइड करना होता है कि उसका कितना पार्ट है, तो हम क्या करते हैं, रेशो को ऐड करते हैं। तो देखिए, टोटल जो हमारी रेशो होगी 7:2 में 7 और 2 9 हो गए। अब देखिए, 7 और 9 है, अब 7:2 है तो टोटल रेशो 9 है। तो ये देखिए, खोए की रेशो है और ये शुगर की रेशो है। अगर हमें खोए का पार्ट निकालना है तो 7/9 करेंगे और जो शुगर का पार्ट है वो 2/9 है। तो हमारा टोटल जो बर्फी है हमारी वो 18 kg है। तो देखिए, खोया कितना यूज हुआ, तो खोए की रेशो कितनी है हमारी, 7:9। तो हम लिखेंगे 7/9 × 18, 7/9 उसकी रेशो होगी और इंटू 18। तो इसको कट करेंगे, 9 × 2 = 18, तो हमारा 7 × 2 = 14 आंसर आ गया। इसी तरह अगर उस वो कहे शुगर की वैल्यू निकालो, शुगर कितनी यूज हुई है, तो हम शुगर की वैल्यू कितनी है हमारी, 2:9 है उसकी रेशो, और हम इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा, 2 से कट हो गया, 9 × 2 = 18, तो 2 × 2 = 4 kg जो हमारी शुगर यूज हुई है और 14 kg हमारा खोया यूज हुआ है। फिर नेक्स्ट टर्म भी ऐसे ही है हमारा सम। लाइन सेगमेंट हमें दे रखी है 56 cm लॉन्ग, ये इक्वल 2 equal parts में डिवाइड किया गया और उसका रेशो है 2:5। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। अब देखिए, 56 cm लाइन सेगमेंट को 2:5 में डिवाइड किया गया है और हमें जो दोनों लेंथ है हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो रेशो है उसको टोटल करेंगे। रेशो हमारी 2:5 है, तो 2:5, 2 + 5 = 7 हो गया। फर्स्ट पार्ट है जो उसका, फर्स्ट पार्ट हमारा कितना होगा, 2/7 होगा। जो जितना पार्ट हो तो बाय में टोटल कर देते हैं। देखिए, 2/7 फर्स्ट पार्ट होगा,
टोटल जो आता है हमारा, हमने यहाँ पे फर्स्ट की रेशो लिखी और जो हमारा टोटल जो जितना भी हमें पूछा गया है, जैसे लाइन का पूछा गया तो हम टोटल लाइन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो इसका पार्ट था 2/7 इंटू में हम 56 करेंगे, 7/8 = 56, 8 पे कट होता है तो हमारा क्या हो गया 2/8 = 16 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट जो लेंथ होगी वो 16 सेंटीमीटर होगी और सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड की वैल्यू हमारी रेशियो है 5/7, तो 5/7 को 56 से मल्टीप्लाई करके 7/8 = 56, फिर 5/8 = 40, तो हमारी फर्स्ट लेंथ 16 होगी और सेकंड लेंथ हमारी 40 सेंटीमीटर होगी। तो इस अकॉर्डिंग आपने रेशोज करनी है। तो देखिए यहाँ पर रेशो बनानी है इनकम टू इनकम टैक्स, इनकम अपॉन इनकम टैक्स कर देंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स टू इनकम आफ्टर पेइंग, इनकम लिख के इनकम आफ्टर पेइंग टैक्स। अब देखिए इनकम में से टैक्स को लेस करके वो आफ्टर पेइंग हो जाएगी टैक्स की, तो यहाँ से उसकी रेशो बनाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर भी मैन और वुमेन की, फिर मैन की टोटल पर्सन से, फिर वुमेन की टोटल पर्सन से रेशो बनानी है, जैसे कि आपने पहले कर रखी है। अब यहाँ पर देखिए स्कूटर ट्रैवल 120 किलोमीटर इन 3 आवर एंड ट्रेन ट्रैवल 120 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड द रेशो ऑफ देयर स्पीड। अब देखिए हमें स्पीड निकालनी है, तो यहाँ पर आपको हिंट दे रखा है स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रैवलर। तो देखिए जो डिस्टेंस कवर किया गया और कितने घंटे में टाइम में किया गया उसको हम डिवाइड कर दें तो हमारी स्पीड आ जाती है। तो यहाँ से हम स्कूटर की स्पीड निकालेंगे 120/3 40 किलोमीटर और ट्रेन की स्पीड आ गई हमारी 60 किलोमीटर। तो दोनों की हम स्पीड का रेशो निकाल लेंगे, स्कूटर अपॉन में स्पीड ऑफ स्कूटर अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमारी रेशो आ जाएगी 2:3। इसी तरह थर्ड सम में हमें दिए गए है रेशो। तो देखिए द शेडो ऑफ ए 3 मीटर लॉन्ग स्टिक इज 4 मीटर लॉन्ग, द शेडो है वो 3 मीटर लॉन्ग स्टिक की इज 4 मीटर लॉन्ग, 3/4 है। और द सेम ऑफ द डे इफ द शेडो ऑफ फ्लैग स्टैक इज 24 मीटर, हाउ लॉन्ग द टॉल इज फ्लैग स्टाफ। तो देखिए एक हमें रेशो दे रखी है शेडो बाय हाइट ऑफ स्टिक, फिर दूसरी दे रखी है शेडो बाय हाइट ऑफ फ्लैग स्टिक, तो हमें ये शेडो जो है हमें इक्वल रखनी है। तो सेम डे है, इक्वल होती है, तो हम इक्वल रखेंगे। तो हमें यहाँ पर शेडो जो है हाइट निकालनी है, लॉन्ग निकालनी है, तो हमने रखा 3/4 = h, हमने हाइट की निकालनी है हमें हाइट, तो हम h दे देंगे उसको नेम, तो बाय में हमने 24 रखा। अब h निकालना है तो हम 3/4 को इधर इसको बाय में पड़ा है तो यहाँ पर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हम इसको कट करके निकाल लेंगे उसकी हाइट। तो इसी तरह आपने लास्ट जो सम है 9th सम है, इसमें हमें रेशो ही निकालनी है नंबर ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर गुजराती न्यूज़पेपर से रेशो निकालनी है, फिर हमें गुजराती न्यूज़पेपर की टोटल न्यूज़पेपर से रेशो निकालनी है। तो ये रेशो आपको आई थिंक आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज ओके आप अपनी वर्कबुक कम्प्लीट करिए, 12th चैप्टर कम्प्लीटली आपका कम्प्लीट है, नेक्स्ट हम 13th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।